हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूँ टेक्जेनमी के वो सारे क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों से आ रहे हैं पीजी एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड। पहले देखते हैं 2021 में क्या क्वेश्चन आए थे टेक्जेनमी से। क्वेश्चन आया था टेक्जेनमी की से, इन ए सिंगल एक्सिस की अपीयर ऑफ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आर नोन एज। इसका आंसर है डी पार्ट, दैट इज कॉपलेट। बाइनोमियल्स विद आइडेंटिकल जीनस नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर कॉल्ड। इसका आंसर है टॉटोनियम। सो टॉटोनियम्स ऐसे बाइनोमियल नेम्स होते हैं जिनमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सिमिलर होते हैं स्पेलिंग में। द न्यूली कलेक्टेड स्पेसिमेन विच इज यूज्ड व्हेन द ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज मिसिंग इज कॉल्ड द। ये क्वेश्चन आया है टाइपिफिकेशन से और इसका आंसर है ए पार्ट, न्यूटाइप। द टेक्जेनमिक एड विच गिव्स अ कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन फैमिली और जीन्स एट ए गिवन टाइम इज। इसका आंसर है बी पार्ट, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ एक किस्म की किताब होती है, टेक्जेनमिक लिटरेचर होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर टेक्जोन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। 2020 में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे टेक्जेनमी से। पहला क्वेश्चन आया था विच ऑफ द हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्जेनमिक कैटेगरीज इज करेक्ट। इसका आंसर है सी पार्ट, स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर। कुरकुमा डोमेस्टिका बिलोंग्स टू फैमिली। इसका आंसर है डी पार्ट, जिंजिबेरेसी। बेंथम एंड हुकर हैव क्लासिफाइड प्लांट्स इन देयर बुक। इसका आंसर है ए पार्ट, जेनेरा प्लांटरम। ए डुप्लीकेशन ऑफ द होलोटाइप ऑफन कलेक्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस और फ्रॉम द सेम गैदरिंग इज कॉल्ड। इसका आंसर है बी पार्ट, आइसोटाइप। द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमिनिक्लेचर अर्लियर नोन एज ICBN वायर लेड डाउन इन द इंटरनेशनल कांग्रेस इन 1975 हेल्ड एट। तो इसका आंसर है डी, लेनिनग्राद। 2019 के क्वेश्चन देखते हैं टेक्जेनमी से क्या क्या क्वेश्चन आए थे। द फ्लावर्स इन द फैमिली लिलेसी आर। इसका आंसर है बी पार्ट, ट्राइमेरिस हाइपोगाइनस। बेंथम एंड हुकर क्लासिफाई डाइकॉट्स इंटो। इसका आंसर है बी पार्ट, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली एंड मोनोकिलिमिडी। इन विच ऑफ द फैमिलीज द गाइनोशियम इज बाइकॉर्पलरी एंड सिनकार्पस बट ओरी इज यूनिलोक्युलर विथ बेसल प्लेसेंटेशन। इसका आंसर है सी पार्ट, एस्ट्रेसी। A nomenclature type in which one specimen or illustration upon which a name is based originally used or designated at the time of publication is. Iska answer hai A part, holotype. Yahan par ek floral formula diya gaya hai, aapko bolna hai ye floral formula kis family ka hai. Iska answer hai B part, Labiatae family. 2018 ke questions dekhte hain. Who wrote Philosophica Britannica in 1753, Systema Naturae in 1758 and also introduced binomial nomenclature? Iska answer hai C part, Carolus Linnaeus. What is not true about Poaceae family? Iska answer hai C part, stamens numerous and anthers fixed. 2017 ke questions dekhte hain. In the taxonomic hierarchy the correct sequence of categories in a descending order is? Iska answer hai सी पार्ट, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और इस ऑर्डर को आप याद रख सकते हैं कीपिंग इन माइंड दिस स्टेटमेंट, कीप डिशेस क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। क्वेश्चन आया है इन तख्त जनस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द वुडी प्लांट्स आर ट्रीटेड एज। इसका आंसर है सी पार्ट, प्रिमिटिव कंपेयर टू हर्बेशियस प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलिजिटिमेट बाइनोमियल सोलिनम सोलिनम वेयर बोथ द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर द सेम इज कॉल्ड एज। इसका आंसर है सी पार्ट, टॉटोनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट पर्टेन टू फैमिली ब्रैसिकेसी। इसका आंसर है बी पार्ट, बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन ब्रैसिकेसी फैमिली के प्लांट्स में नहीं पाई जाती है। कैरियोप्सिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ फैमिली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, पोएसी। 2016 के टेक्जेनमी के क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल टेक्जेनमी इज ऑल्सो नोन एज। इसका आंसर है बी पार्ट, फिनेटिक्स। एंड नॉमेनक्लेचर टाइप इज जनरली ए। इसका आंसर है डी पार्ट, स्पेसिमेन, इलस्ट्रेशन और फोटोग्राफ। ए सब स्पीशीज और वैरायटी नेम दैट इज डुप्लीकेट ऑफ द स्पेसिफिक एपिथेट इज कॉल्ड। इसका आंसर है सी पार्ट, ऑटोनिम। ए स्पेसिमेन दैट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व एज द टाइप व्हेन नो होलोटाइप वाज डिजाइनेटेड एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन और इफ इट वॉज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड इज नोन एज। इसका आंसर है ए पार्ट, लैक्टोटाइप। ये क्वेश्चन भी टाइपिफिकेशन से आया था। मोनोथिकस एंथर्स एंड मोनोएडल्फस स्टेमेंस और द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली। किस फैमिली में मोनोथिकस एंथर्स और मोनोएडल्फस स्टेमेंस होते हैं? याद रखना है ए पार्ट, मालवेसी में ऐसा होता है। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पोएसी। और इसका आंसर है ए पार्ट, द कार्पल हैज टू स्टाइल्स।
इन सोलिनेसी फ्लावर्स आर? इसका आंसर है बी पार्ट, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस। यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला दिया गया है, आपको बोलना है कि ये फ्लोरल फार्मूला जो है ये किस फैमिली का है। इसका आंसर है बी पार्ट, रेनुनक्लेसी। रेनुनक्लेसी में बहुत सारे कार्पल्स होते हैं और बहुत सारे स्टेमेंस होते हैं, और 5 सेपल्स होते हैं और 5 पेटल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। 2015 से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। द टर्म टेक्सानमी वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय? इसका आंसर है डी पार्ट, एपी डी कैंडॉल। A binomial in which genus name and specific epithet or identical in spelling is called? देखो तीसरी बार एक क्वेश्चन आया है और इसका आंसर है सी पार्ट, टॉटोनिम। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन? इसका आंसर है बी पार्ट, टेकिंग इन टू अकाउंट ऑल द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट्स। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम सारे के सारे फीचर्स जो है उनको कॉन्सिडरेशन में लेते हैं और फिर क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट्स की, लेकिन आर्टिफिशियल में हम कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को लेते हैं फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस। द स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन अपॉन विच ए नेम इज बेस्ड ओरिजिनली यूज्ड डिजिग्नेटेड एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन इज? और इसका आंसर है सी पार्ट, होलोटाइप। क्रूसीफॉर्म करोला एंड टेट्राडाइनोमस स्टैमेंस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली? इसका आंसर है बी पार्ट, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी फैमिली में 4 पेटल्स होते हैं और वो क्रॉस शेप्ड होते हैं, यानी क्रूसीफॉर्म करोला होता है, और टेट्राडाइनमस स्टेमेंस होते हैं यानी 6 स्टेमेंस होते हैं, जिसमें से जो 4 होते हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और जो 2 होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। इन द फैमिली रेनुनक्लेसी द स्टेमेंस आर? इसका आंसर है बी पार्ट, स्पायरोसाइक्लिक डाइथिक्स एक्सट्रोस। सिप्सिला फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन? सिप्सिला फ्रूट किस फैमिली में पाया जाता है? और आपको आंसर याद रखना है बी पार्ट, दैट इज एस्ट्रेसी के जो प्लांट्स हैं उनमें सिप्सिला फ्रूट बनता है। फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया, आपको बोलना है ये किस फैमिली का है। इसका आंसर है लिलिएसी। 2014 के क्वेश्चन देखेंगे। टैक्सोनॉमिक हायरार्की कंसिस्ट्स ऑफ? इसका आंसर है ए पार्ट, 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड स्पीशीज। एंगलर एंड पैरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज? ये एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, विच वॉज प्रपोज बाय एंगलर एंड पैरेंटल। क्वेश्चन आया है पैराटाइप्स आर? इसका आंसर है ए पार्ट, स्पेसिमेन साइटेड इन ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन अदर देन होलोटाइप। ग्रुपिंग प्लांट्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू एक्सटर्नल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट्स, ये होती है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम कुछ ही फीचर्स को लेते हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म? इसका आंसर है ए पार्ट, मैग्नोलिया। मैग्नोलिया इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म। कील पेटल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ? इसका आंसर है ए पार्ट, पेप्लियोनेसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटुलम रिप्रेजेंट्स ए एन, आपको बोलना है कैपिटुलम क्या है, क्या ये फ्लावर है, क्या इन्फ्लोरिसेंस है, क्या ये फ्रूट है, क्या ये इनवोलिकल ब्रैक्ट्स है? ये इनफ्लोरिसेंस है, जो कि पाया जाता है फैमिली एस्ट्रेसी के प्लांट्स में। टैक्सा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज पजेस एक्टिनोमॉर्फिक एज वेल एज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स? इसका आंसर है बी पार्ट, एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी फैमिली में कैपिटुलम इन्फ्लोरिसेंस पाई जाती है, और उस इन्फ्लोरिसेंस में रे फ्लोरिट्स और डिस्क फ्लोरिट्स पाए जाते हैं। रे फ्लोरिट्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं और डिस्क फ्लोरिट्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। 2013 के क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द सेम लोकेलिटी फ्रॉम विच द होलोटाइप वॉज ऑरिजिनली सिलेक्टेड इज टर्म्ड एज? इसका आंसर है सी, टोपोटाइप। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप डिजिग्नेटेड एज? इसका आंसर है डी पार्ट, क्लैडिस्टिक्स। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज प्रपोज बाय? इसका आंसर है बी पार्ट, जूलियन हक्सली, 1940। ऑर्डिनस एनोमली ऑफ बेंथम एंड हुकर इंक्लूड? इसका आंसर है ए पार्ट, ए फ्यू ऑर्डर्स विच कुड नॉट बी प्लेस्ड सेटिस्फैक्टरली इन द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा टैक्सोनॉमी यूजुअली रेफर्स टू? इसका आंसर है सी पार्ट, बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं 2012 के क्वेश्चंस क्या आए थे टैक्सोनॉमी से। 3 सीरीज रिकॉग्नाइज्ड बाय बेंथम एंड हुकर अंडर गैमोपिटेली आर? इसका आंसर है डी पार्ट, इन्फ्री, हिटेरोमेरी एंड बाइकार्पलेटी। ओ यू टी स्टैंड्स फॉर? इसका आंसर है ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट, जो कि हम फिनेटिक्स में यूज करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन। नॉर्थोटैक्सा आर? नॉर्थोटैक्सा होते हैं हाइब्रिड टैक्सा, हाइब्रिड प्लांट्स को रखा जाता है नॉर्थोटैक्सा में। द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर हैज? आसान सा क्वेश्चन है, इट हैज 6 प्रिंसिपल्स।
हाइपेंथियम इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, हाइपेंथियम इन फैमिलीज में किस फैमिली के प्लांट्स में पाया जाता है? आंसर है सी पार्ट फैमिली रोजेसी। Arabidopsis thaliana, the extensively studied model plant in plant biology belongs to. Arabidopsis thaliana किस फैमिली से belong करता है? इसका आंसर है B part family Brassicaceae. The two lids of a couplet in a dichotomous key should be. इसका आंसर है they should be mutually exclusive. Thanks for watching.